विद्यार्थी मित्रांनो, मला तुमच्याशी आणि तुमच्या पालकांशी थोडं बोलायचं आहे। तर माझी अशी विनंती आहे की येणारे काही मिनिट आपण मला शांततेने आणि लक्षपूर्वक ऐकावा। काही मुलांनी गेल्या 8-15 दिवसांमध्ये क्लासेसला ॲडमिशन घेतली आहे, तर अशा मुलांच्या मनामध्ये, तुमच्या पालकांच्या मनामध्ये निश्चितच काही प्रश्न, चिंता, काळजी असेल। आपणाला कुठेतरी असं वाटत असेल की आम्ही ह्या सगळ्यामध्ये मागे पडलोय, किंवा आम्हाला जे सुरू आहे ते समजत नाही आहे, कारण क्लासेस तर भरपूर आधी सुरू झालेले आहेत। तर बघा, तुम्हाला काहीही काळजी करण्याची गरज नाही। सध्या स्थितीत जो युनिट सुरू आहे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, येणाऱ्या 8-10 दिवसांमध्ये हा संपून जाईल आणि एक नवीन युनिट सुरू होईल। मला असं वाटतं की तुम्ही सर्व मुलांनी येणाऱ्या युनिटपासून पूर्ण लक्ष द्यायला हवं, बिकॉज तुम्हाला सर्व लक्षातही येईल, समजायलाही लागेल, टेस्ट पण तुम्ही देऊ शकाल। तर आता भरपूर मुलांच्या मनामध्ये हा प्रश्न असेल की सर, मग आमचं जे झालं आहे त्याचं काय करायचं? बघा, तो प्रश्न आम्हा टीचर लोकांचा आहे। जितकी काळजी पालक आपल्या मुलांची करतात तेवढीच काळजी आम्हाला सुद्धा तुमची आहे। त्याच्यामुळे जसं आम्ही आधीच्या मुलांचं घेतलं आहे, तसंच किंबहुना त्याच्यापेक्षा सरससुद्धा आम्ही तुमचं करवून देऊ। त्याच प्रकारचे व्हिडिओ लेक्चर्स, नोट्स, डेली प्रॅक्टिस प्रॉब्लेम्स किंवा मग टेस्ट असो, सर्व तशाच तुमच्या घेण्यात येतील। बघा, आता हे सर्व घ्यायचं कधी? येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये दसरा येणार आहे, दिवाळी आहे, ह्याच्यात पूर्ण क्लासेसला सुट्ट्या असतात, तर बाकीच्या मुलांना सुट्ट्या राहतील, पण तुमच्याकडनं आम्ही राहिलेलं सर्व करून घेऊ। तर आपण हे सर्व फॉलो करा आणि जेव्हा नवीन युनिट सुरू होईल तोपर्यंत जे व्हिडिओ लेक्चर्स येत राहतील ते सुद्धा आपणास बघायचे आहेत, ठीक आहे? त्यातला आपल्याला अर्ध्यापेक्षा जास्ती, म्हणजे 50-60% लक्षात येऊ शकतात, पण मग तरीसुद्धा आपणास ते बघायचे आहे। त्यात वेगवेगळे इन्स्ट्रक्शन्स असतील, तुम्ही आमच्याशी थोडे हॅबिच्युअल व्हा, ठीक आहे? आता आपण बोलूया की काल जी आपली टेस्ट झाली त्याच्याबद्दल। तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, ही तुमची पहिली टेस्ट होती ज्याच्यामध्ये 45 MCQs आम्ही तुम्हाला दिले होते, जे तुम्हाला सॉल्व करायचे होते। 10वीपर्यंत आपली मेंटॅलिटी, तुमचे विचार थोडे वेगळे असतात आणि पॅटर्नसुद्धा एक वेगळा असतो। तुम्हाला पुस्तकामध्ये दिलेलं पाठ करायचं असतं आणि लिहून यायचं असतं, त्यामध्ये भरपूर मुलांना मार्क्स मिळतात, पण सध्याचा जो ॲप्रोच आहे नीट JEE साठी हा टोटली कॉम्पिटेटिव्ह ॲप्रोच आहे। म्हणजे तुम्ही असं नाही करू शकत की फक्त पाठ केलं मी शिकवलेलं आणि पेपरात तुम्हाला एकदम भरघोस मार्क येतील। बघा, कालच्या पेपरमध्ये भरपूर मुलांना चांगले मार्क्स आले आहेत, काहींना कमी आले आहेत, शून्यही आले आहेत आणि निगेटिव्हमध्ये पण जाऊ शकतात काही मुलं। तर ज्यांना खूप जास्ती मार्क आले आहेत त्यांनी होरपळून नको जायला, आणि कमी मार्क्स आले आहेत तर आपण खचूनसुद्धा जायला नको। आपणास एक पॅटर्न फॉलो करायचा आहे। बघा, जसं तुम्ही आधी पाठ करून लिहून बघायचे, आता तुम्हाला MCQ सॉल्व करायचे आहेत फिजिक्सचे, आणि तुम्ही असं ठरवून ठेवा की दिवसाला ॲटलीस्ट 30 MCQ मला सॉल्व करायचे, कमीत कमी किती 30 MCQ, आणि स्वतःहून मागे उत्तरं न बघता। त्याच्यासाठी तुम्ही कॉम्पिटेटिव्हची एखादी बुक परचेस करू शकता ज्यात तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स मिळतील, जसं DC पांडे सरांची अरिहंत पब्लिकेशनची नीट प्रिपरेटरी सिरीज ही खूप हिट बुक आहे। त्यात जवळपास 300-350 प्रश्न प्रत्येक युनिटवरती दिले आहेत। तर आपण ते प्रश्न रोज स्वतः सॉल्व करायला हवे, तेव्हा कुठे तुमचे टेस्टमधले मार्क्स वाढतील। तुम्हाला असं वाटत असेल की सरांनी शिकवलं, आम्ही पूर्ण व्हिडिओ बघितला, एकदा बघितला, दोनदा बघितला आणि लिहून ठेवला आहे आणि आम्हाला टेस्टमध्ये पूर्ण मार्क्स मिळायला पाहिजे, तर असं होऊ नाही शकत, ठीक आहे? आणि जसं मी काल सांगितलं होतं की टेस्टचं पूर्ण एक्सप्लेनेशन तुम्हाला देण्यात येईल, तर बघा, एक तुमच्यासाठी सूचना आहे, जशी टेस्ट मी काल तुम्हाला दिली आहे, तुम्ही ॲप्लिकेशनमध्ये जाऊन टेस्ट ह्या सेशनमध्ये
त्याचे सोल्युशन्स बघू शकता, तिथे तुम्हाला क्वेश्चनसुद्धा मिळतील. तर मी एक दिवस तुम्हाला स्वतः हे सर्व प्रश्न सोडवण्यासाठी देत आहे, जेणेकरून तुम्ही स्वतःचा ॲनालिसिस स्वतः करू शकाल आणि मग तुम्हाला स्वतःच्या चुका लक्षात येतील. तर येणाऱ्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये मी पूर्ण तुमची टेस्ट एक्सप्लेन करून देईल, जेणेकरून तुम्हाला तुमच्या चुका, तुमचे निगेटिव्ज आणि पॉझिटिव्ज लक्षात येतील. आणि आजच्या ह्या लेक्चरमध्ये पुढे मी आपला जो टॉपिक सुरू होता क्रिचॉफ लॉ, त्याचे एक्झाम्पल्स काही करून देतो. तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको किरचॉफ्स के दो लॉ पढ़ाए थे, तो एक बार उन लॉज को रिवाइज कर लेते हैं एंड कुछ एप्लीकेशन केवीएल के देख लेते हैं. पहला लॉ था KCL, दैट इज क्रिचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है, और जिसे जंक्शन लॉ भी कहते थे. जंक्शन मीन्स क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा करंट आ रहे हैं एंड वो बाहर भी निकल सकते हैं. तो पहले लॉ का कहना था, दैट इज क्रिचॉफ्स करंट लॉ का कहना था कि द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एट अ जंक्शन इज जीरो. मीन्स अगर मैं एखादा जंक्शन ले लूँ तो वहाँ पे सभी करंट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए. बट अब ये जीरो कैसे होगी, इसके लिए कुछ साइन कन्वेंशंस थे वो आपको याद रखने थे. साइन कन्वेंशंस क्या थे, पहला साइन कन्वेंशन, इफ सपोज करंट इज फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन, मीन्स करंट जंक्शन की ओर आ रहा है, करीब आ रहा है जंक्शन के, देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव, उसे आपको प्लस लिखना है. एंड इफ करंट इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, अगर करंट जंक्शन से दूर जा रहा है तो आपको लिखना है निगेटिव, देन इट इज टेकन एज निगेटिव. तो उसके मैंने लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल करवाए थे. इसके बाद नेक्स्ट क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL, और जिसे लूप लॉ भी कहते हैं. अब एखादा अगर मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट ले लूँ, उसके अंदर कंपोनेंट्स रह सकते हैं, दैट इज रेजिस्टर, कैपेसिटर, बैटरी और सेल, ये सारे कंपोनेंट्स आपके एक सर्किट में रहेंगे. अगर मैं सर्किट का एक लूप कंसिडर करूँ तो उस लूप के अंदर द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रेजिस्टिव कंपोनेंट्स प्लस EMF इक्वल्स टू जीरो. मीन्स अगर मैं एखादे लूप के अंदर सारे पोटेंशियल डिफरेंस की सम कर लूँ तो उसकी वैल्यू जीरो आएगी. ये कहना है क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ का. बट इसमें भी मोर इम्पॉर्टेंट क्या है, साइन कन्वेंशंस. साइन कन्वेंशंस की ओर ध्यान देना. देखो जरा, इफ सपोज एक लूप है तो लूप के अंदर हमें एक पाथ ट्रेस करना होता है, हमें एक पाथ फॉलो करना होता है. इफ सपोज अवर डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग एंड करंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, मीन्स हम जिस पाथ को फॉलो कर रहे हैं वो वाला पाथ एंड करंट, अगर दोनों एक ही तरफ फ्लो हो रहे हैं तो फिर आपको पोटेंशियल को लिखना है -IR, अदरवाइज इट इज टेकन एज पॉजिटिव. ये पहला साइन कन्वेंशन. दूसरा, इफ सपोज कैपेसिटर इज गिवन, एक कैपेसिटर दिया है, करंट भी उसी तरफ ट्रेवल कर रहा है, हमारा पाथ भी उसी तरफ है, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल्स टू -QC लिखना है. कितना लिखना है आपको, -QC. नेक्स्ट, अगर बैटरी है, मैं पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ, नो मैटर इन विच डायरेक्शन करंट इज फ्लोइंग, करंट का लेना देना अब नहीं है, सिर्फ आपको कौन सी प्लेट से आप कहाँ पे जा रहे हो, दैट इज हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जा रहे हो और लोअर से हायर की तरफ आ रहे हो, वो देखना है. अगर मैं हायर से लोअर की तरफ जा रहा हूँ, दैट मीन्स पोटेंशियल इज टेकन एज -E. एंड मैं अगर निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की तरफ पाथ हमारा ट्रेवल कर रहा है तो इट इज टेकन एज +E. तो ये सारे थे वोल्टेज लॉ के एप्लीकेशन या फिर साइन कन्वेंशन. अब देखो जरा, ये सर्किट हमने आपको एक ड्रॉ करके दिया है एंड व्हाट इज आस्क्ड, फाइंड करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस. हमें ये अलग अलग ब्रांचेस में करंट ढूंढना है. देखो जरा, हम फाइंड करके देते हैं आपको. तो आपको एक काम करना है, यहाँ पे मुझे एक ब्रांच यहाँ से लेके एक ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है B2E एंड ये तीसरी है BCDE.
तो तीन अलग अलग हिस्सों में तीन करंट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि ब्रांच अलग तो करंट अलग होगा। तो मैं पहले यहाँ पे आई वन करंट ले लेता हूँ कि 2 वोल्ट बैटरी से आई वन करंट निकल रहा है। तो अभी ये पूरे ई एफ ए बी, ये पूरे हिस्से, ऐसे हिस्से में करंट कितना रहेगा, आई वन ही रहेगा। यहाँ पर भी आई वन, यहाँ पर भी आई वन, यहाँ पर भी आई वन। बट बी पॉइंट इज जंक्शन, यहाँ पे करंट स्प्लिट होगा दो हिस्सों में। तो दोनों हिस्सों में लिख लेता हूँ, ये होगा I2 का हिस्सा, ये होगा I3 का हिस्सा, ऐसे होगा। एंड इस बीज ई पूरे ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा, I2। जब तक स्प्लिट नहीं होता करंट, तब तक चेंज नहीं होगा। जैसे ही अलग अलग जंक्शन आ गए करंट स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। अगर ये I3 BC में से फ्लो रहा है तो CD में से भी कितना फ्लो होगा, I3 ही फ्लो होगा, D में से भी I3 फ्लो होगा। तो ये ऐसे मैंने करंट आपको बना के दे दिए। अब हमें क्या करना है, लूप है, जंक्शन है, तो दोनों लॉ लगा देते हैं हम। पहले बी पॉइंट पे देखो, एट पॉइंट बी जंक्शन लॉ, बाय अप्लाइंग जंक्शन लॉ और करंट लॉ, KCL लिख लेता हूं मैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग, और अलजेब्रिक सम इज जीरो। तो इनकमिंग करंट कितना है, I1, आउटगोइंग कितने हैं, I3 प्लस I2, ये दोनों करंट है आउटगोइंग, ठीक है। तो ये मैंने पहला लॉ लगा दिया। सेम केस अगर E3 के जगह पे भी आप ये E के जगह पे भी आप ये लॉ लगाओ, तो I1 इक्वल्स टू I3 प्लस I2, यहाँ पे भी हमें वही मिलता है। तो पहला लॉ तो मैंने लगा दिया। एंड क्वेश्चन क्या था, ये फाइंड करंट इन ब्रांचेस, पहले ही मैंने आपको बता दिया था ओरली, करंट इन ब्रांचेस आपको फाइंड करना है। तो दोनों जगह मैंने जंक्शन लॉ लगाया, एक ही इक्वेशन मिल रहा है, बट अननोन कितने हैं, तीन अननोन है। तो मुझे देखो, जितने अननोन होते हैं उतने इक्वेशन ढूंढने होते हैं। जैसे पहला 2x = 4, यहाँ पे एक अननोन है, एक इक्वेशन है, x की वैल्यू 4/2, 2 निकल के आएगी। अगर दो अननोन है, x + 2y = 5, तो आपको और एक इक्वेशन लगेगा एक्स एंड वाई के टर्म्स में उसे सॉल्व करने के लिए। तीन इक्वेशंस है तो यू विल नीड, तीन वेरिएबल्स अगर है तो यू विल नीड 3 इक्वेशंस टू फाइंड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे तीन वेरिएबल्स है, I1, I2, I3, ये हमें नहीं पता, तीन इक्वेशन ढूंढने हैं। पहला इक्वेशन जंक्शन लॉ से मैंने निकाल दिया, दूसरा इक्वेशन बाय अप्लाइंग लूप लॉ हम, और जिसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलते हैं, वो लगा के हम निकाल लेंगे। बट उसके लिए पहले हमें लूप कंसिडर करना होगा। तो देखो, एक लूप मैं ले लेता हूँ, ये है एक लूप। तो लूप को आप ए बी ई एफ ऐसा भी मान सकते हो, ए बी ई एफ ए, ऐसे लूप को मैं फॉलो करने वाला हूँ। कौन से लूप को, ए बी ई एफ ए, ऐसे लूप को। अब देखो, ए से लेके बी तक मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, हमारा पाथ कैसे है, ए से लेके बी राइट की तरफ, करंट भी राइट की तरफ फ्लो रहा है। तो आपको लिखते वक्त क्या लिखना होगा, -I1 × R, R इज नथिंग बट 4 ओम। ये पाथ भी उसी तरफ, करंट भी उसी तरफ, माइनस लिखना है। आगे अब हम आए यहाँ पे, अब करंट का लेना देना ही नहीं, कौन सी डायरेक्शन है क्या है नो मैटर, आपको सिर्फ देखना है बैटरी के वक्त कि हम कहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं। हम जा रहे हैं निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो हमें प्लस ई लिखना होगा, डेट इज प्लस 4 वोल्ट। आगे देखो, और आए हम ई पे, ई से लेके एफ तक जा रहे हैं, तो देखो पाथ भी उसी तरफ है, करंट भी उसी तरफ है, आपको क्या लिखना होगा, माइनस, यहाँ पे देखो I1 करंट है तो I1 × 2, ठीक है। अब आए हम और F की जगह आए, F से और ऊपर जा रहे हैं, अब यहाँ से निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, छोटे से बड़े पोटेंशियल की तरफ, लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ, तो आपको प्लस E और प्लस 2 लिखना है। ये कंसेप्ट, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस लिख लेना, तो प्लस 2। एंड A पॉइंट पे आ गए, तो इन सभी की समेशन कितनी होती है, 0। देखो अब इक्वेशन कैसे क्या मिल सकता है हमें, नहीं हो 4I1 -4I1 -2I1 +6 = 0,
माइनस फोर माइनस टू, माइनस सिक्स आई वन प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, और सिक्स आई वन इक्वल्स टू सिक्स, और आई वन की वैल्यू सिक्स बाय सिक्स दैट इज वन एम्पियर। सिंपल है ना। तो पहले आई वन निकाल दिया मैंने। दूसरा एक लूप ले लेते हैं। ये एक लूप है, बी सी डी ई बी, ठीक है। एक आधा बच्चा एंटी क्लॉकवाइज भी लूप लेता है तो भी उसका सही आंसर आता है, एंड कभी स्टूडेंट अगर आई थ्री की वैल्यू आई टू के अपोजिट भी निकाल ले तो भी सही आंसर आएगा। सिर्फ निगेटिव पॉजिटिव होंगे तो आखिरी बार आपको निगेटिव देख के डायरेक्शन बदल देनी होगी। देखो अब, तो मैं क्लॉकवाइज के लिए ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करके देखता हूँ। अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन कौन सा लूप, बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी। देखो क्या होगा, हमारा पाद भी आगे की तरफ है, करंट भी उसी डायरेक्शन में है, बी से लेके सी तक जा रहा है ना, करंट भी हमारा उसी तरफ, पाद भी उसी तरफ। देखो अब कैसे होगा, माइनस आई थ्री इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है टू, तो माइनस आई थ्री इंटू टू। आगे देखो हम कहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं, माइनस आई थ्री इंटू टू करने के बाद हम पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो पॉजिटिव से अगर मैं निगेटिव जाऊँ तो आपको माइनस लिखना होगा, तो माइनस सिक्स, ठीक है ये लिख दिया हमने। और आगे देखो, और हम किस तरफ जा रहे हैं, पाथ भी उसी तरफ, करंट भी उसी तरफ, तो आपको लिखना होगा माइनस फोर इंटू आई थ्री, क्योंकि आई थ्री करंट जा रहा है ना यहाँ से, तो करंट भी इसी तरफ, पाथ भी उसी तरफ, आपको एक एक कंपोनेंट देखते जाना है। अब आगे ई से लेके बी तक अगर मुझे जाना है तो हम कहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल है तो माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। देखो अब सॉल्व करते हैं इसे, माइनस टू आई थ्री माइनस फोर आई थ्री माइनस टेन इक्वल्स टू जीरो, माइनस सिक्स आई थ्री इक्वल्स टू टेन, आई थ्री इक्वल्स टू माइनस टेन बाय सिक्स, ये आ जाएगा फाइव, ये आ जाएगा थ्री। डिवाइड करने के बाद टू से डिवाइड कर लो, आई थ्री की वैल्यू माइनस फाइव बाय थ्री निकल के आएगी, इतना एम्पियर करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब ये जो माइनस आया है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, या यहाँ से क्या मीनिंग निकलता है, माइनस आया है मीन्स जो हमने आई थ्री की डायरेक्शन ली थी वो अपोजिट होनी चाहिए, वैल्यू फाइव बाई थ्री के बराबर ही, डायरेक्शन अपोजिट मीन्स जो मैंने करंट ऐसे लिया था ऐसे जाने वाला है, अपोजिट आएगा वो, ओरिजिनल में करंट आई थ्री ऐसे फ्लो होगा। सो मैं यहाँ पे एक पॉइंट भी लिख के देता हूँ, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ आई थ्री इज अपोजिट टू गिवन, ठीक है रहेगा याद ये कि जो डायरेक्शन गिवन है और हमने ले ली थी उससे अपोजिट होनी चाहिए। तो आई वन आ गया, आई थ्री आ गया, नाउ वी विल फाइंड आई टू। आई टू कैसे निकाल सकते हैं देखो जरा, पहले इक्वेशन में ये दोनों वैल्यू डाल दो, आई वन इक्वल्स टू आई थ्री प्लस आई टू, आई वन इक्वल्स टू आई थ्री प्लस आई टू, आई वन की वैल्यू कितनी है, आई वन निकाल दिया है ना वन एम्पियर, आई थ्री की वैल्यू माइनस फाइव बाई थ्री प्लस आई टू, यहाँ पे साइन के साथ पुट कर देना है आपको। तो देखो अब क्या होगा, आई टू इक्वल्स टू वन प्लस फाइव बाई थ्री, थ्री प्लस फाइव दैट इज एट बाई थ्री, ये I2 की वैल्यू निकल के आएगी। सो I1, I2, I3 तीनों वैल्यूज हमने निकाल दी बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ। एक बार जंक्शन लॉ तो लगता ही है, एंड लूप लॉ। तो मुझे लगता कि अभी बच्चों को लूप लॉ अप्लाई करते आएगा, ठीक है फिर। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिएगा। देखो अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया है इसमें ही बहुत बार एक और खास क्वेश्चन आता है जिसमें बच्चों को दिक्कत जाती है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एफ एंड सी,
ये एफ जो पॉइंट है, ये पॉइंट एंड सी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और ए डी बोल सकते हो, ए बी बोल सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो, अभी तो मैंने आपको करंट की वैल्यू निकाल के दी थी, 1 एम्पियर, 8/3 एम्पियर, -5/3 एम्पियर, ये सारी है करंट की वैल्यूज। अभी अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है, मैं कैसे ढूंढूंगा? देखो जरा, एक काम करना है आपको, जिस पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ का पोटेंशियल पहले लिख लेना है, पोटेंशियल ऑफ एफ, ठीक है। अब देखो, हम कहाँ से, यहाँ से लेके स्टार्ट करना एंड सी तक जाना है। सो वी एफ, आगे हम निगेटिव से पॉजिटिव गए तो +2, ठीक है, जैसे हमारे साइन कन्वेंशन थे वैसे ही फॉलो करते जाना है, धीरे धीरे ऊपर जाना है, वी एफ प्लस टू, हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, करंट भी उसी तरफ, तो -I1 × 4, ठीक है, ये हमने लिख लिया। आगे बी तक गए, अब सी तक जाना है, तो देखो I3 की डायरेक्शन ये जो मैंने लिख के दी है, अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिखूं, दैट इज +5/3, तो आपको डायरेक्शन जो निकल के आई थी अपोजिट वाली वो लिखनी होगी, क्यों? क्योंकि हमने अभी पूरा सॉल्व करने के बाद हमें समझ में आया कि अगर हम प्लस लिखते हैं तो डायरेक्शन अपोजिट करनी है हमें करंट की। तो देखो, अब हम जा रहे हैं राइट की तरफ, करंट अपोजिट में आ रहा है, तो आपको लिखना होगा +I3, क्योंकि यहाँ पे I3 करंट फ्लो रहा है, × 2। तो हमने एफ से स्टार्ट किया, एफ से लेके ए, ए से लेके बी, बी से लेके सी, ठीक है, तो ऐसे हम ट्रैवल करते गए। ये सी तक पहुंचने के बाद इक्वल्स टू आपको लिखना है पोटेंशियल ऑफ सी। अब एक आधा स्टूडेंट अगर ऐसे करता कि पहले जो लिख के दिया है उससे, उस करंट से सॉल्व करता, तो भी सेम ही आता, मैं आगे चल के वो भी बता देता हूँ। देखो अब क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ एफ +2 -I1 की वैल्यू, I1 की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर, सो 1 × 4, +I3 की वैल्यू कितनी है, 5/3 × 2 = VC, ठीक है, VF +2 − 4, दैट इज -2, +10/3 = VC, ये हो जाएगा 10 − 6/3, दैट इज 10/3 − 2, 10 − 6/3 VF = VC, तो VF +4/3 = VC, और VC -VF = 4/3। तो सी पॉइंट ज़्यादा पोटेंशियल पे है एज कम्पेयर टू एफ पॉइंट, कितने से ज़्यादा है, 4/3 वोल्ट से। अब एक आधा स्टूडेंट अगर पहले जो मैंने करंट ड्रॉ किया था वैसे सॉल्व करेगा तो भी सेम ही आंसर आता है, क्योंकि हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, करंट भी उसी तरफ है, तो -I3 × 2, बट ये I3 की वैल्यू कितनी पुट करनी होगी फिर, माइनस वाली, सो माइनस ऑफ माइनस प्लस ही निकल के आएगा। तो अगर आप साइन के साथ पुट करते हो तो पहले जैसी थी वैसे ही डायरेक्शन निकाल लेना, एंड अगर मैग्नीट्यूड दैट इज प्लस पुट करते हो तो डायरेक्शन आपने अपोजिट कर लेना, ठीक है, फिर आ जाएगा आपको ऐसे कुछ। तो मैं एक और टास्क आपको दे रहा हूँ, आपको ए एंड डी के बीच में पोटेंशियल निकाल के देखना है, ठीक है, यही अभी जो मैंने समझाया उसी को इस्तेमाल करो एंड फाइंड करो, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कौन से पॉइंट, ए एंड डी पॉइंट्स, ए एंड डी पॉइंट्स के बीच में देखना है, ठीक है फिर। तो ये करके देखिए, मैं और कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ आपको। तो चलो फिर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हमें ए एंड बी के बीच में पोटेंशियल ढूंढना है, पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है। तो यहाँ पे भी हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ का इस्तेमाल करके ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो जरा कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, पोटेंशियल एट ए लिखेंगे पहले, वी एट ए, एंड ए से लेके बी तक जाएंगे। देखो करंट हमें 3 एम्पियर ऐसे दिया है, तो ये पूरे सर्किट में अभी ब्रांच है कहीं पर, दिख रही है आपको ब्रांच, क्या कहीं करंट स्प्लिट हो सकता है, नहीं, दैट मीन्स
पूरा ए से लेके बी तक करंट 3 एम्पियर ही फ्लो होगा। देखो अब पोटेंशियल एट ए, आगे जाके मैं पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ। बताओ साइन कन्वेंशंस क्या लिख के दिए थे हमने, अगर मैं पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ तो आपको -9 लिखना है। हम आगे जा रहे हैं, करंट भी आगे है, ठीक है, सो वापस हमें -3 दैट इज आई इंटू आर, मैं ऐसे लिख लेता हूँ लगे तो, -I into R की वैल्यू 1। आगे और अब पॉजिटिव से वापस निगेटिव जा रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो फिर क्या होगा बताओ जरा, माइनस करना होगा मुझे -8 वोल्ट है ना, ये वोल्टेज तो 8 वोल्ट। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, करंट भी आगे की तरफ है तो मुझे क्या लिखना होगा -2 into I और I into 2 ऐसे लिख सकते हो आप I into 2। पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा हूँ मैं तो -7 इक्वल्स टू V8B लिख लेना है। देखो आगे क्या होगा, V8A -9 -3 into 1 -8 -3 into 2 -7 इक्वल्स टू पोटेंशियल एट B। तो VA -9 -3 -8 -6 -7 इक्वल्स टू VB। देखो जरा ये कितना होगा, कैलकुलेट कर लो, 8 + 7 दैट इज 15 +9 + 9 = 18, तो ये हो जाएगा 18 - 15 VA - 18 - 15 इक्वल्स टू VB। एट ये 13 + 8 = 21 + 3 = 24 + 9 = 33 वैसे भी कर सकते हो आप, तो VA - 33 इक्वल्स टू VB और VA - VB इक्वल्स टू 33 वोल्ट। ये आ गया आंसर, सिंपल है ना। तो ए एंड बी के बीच में मैंने पोटेंशियल भी ढूंढ के दिया, कितना आया है 33 वोल्ट। अगर मैं एक काम करूं, इसमें से एक आधे को मैं रिवर्स कर देता हूं, अगर 8 वोल्ट को मैंने रिवर्स कर दिया, अब क्या होगा बताओ, अब कैसे लगाओगे जरा करके देखो सॉल्व, आ सकता है क्या आपको। अगर मैं एक आधे को रिवर्स कर दूं दैट इज 8 वोल्ट को, तो आप सॉल्व करके देखना जरा। देखो कैसे करेंगे हम, वापस हम लॉ लगाएंगे, VA -9 -3 into 1 क्यों माइनस आया, +8 करना होगा, +8 क्यों किया, क्योंकि 8 वोल्ट का जो सेल है हम उसके निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, दैट्स व्हाई उसे प्लस किया। -2 into 3 -7 इक्वल्स टू VB, तो ये देखो VA -12 + 8 - 6 - 7 इक्वल्स टू VB, तो ये आ जाएगा VA -18 + 8 - 7 इक्वल्स टू VB। ठीक है, मैंने एक काम किया, इन दोनों को ऐड कर लिया, तो VA -10 - 7 इक्वल्स टू VB और VA -17 इक्वल्स टू VB और VA -VB इक्वल्स टू 17। दैट मीन्स ए पॉइंट ज़्यादा पोटेंशियल पे है, ए पॉइंट क्या होगा ज़्यादा पोटेंशियल पे एज कम्पेयर टू B। ठीक, सो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ। तो ऐसे होते हैं कुछ एप्लीकेशंस किरचॉफ्स लॉ के। तो देखो मैंने करंट लॉ भी समझाया आपको, वोल्टेज लॉ भी समझाया, वोल्टेज लॉ का एक बेसिक सा मस्त एप्लीकेशन भी समझाया जिससे आप अलग अलग ब्रांचेस में करंट निकाल सकते हो। तो अभी आपका काम है कि आप अलग अलग सर्किट्स देखो किताब में एंड उनमें करंट ढूंढ के देखिए जरा ब्रांचेस के अंदर। मैं लगे तो नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ एग्जांपल्स लेके आऊँगा जिसे मैं 2-3 तरीके से सॉल्व करके दूंगा, किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल करके भी, एंड इसके पहले मैंने जो कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल आपको पढ़ाया है ना जिसमें सेल्स के कॉम्बिनेशन की जाती है उससे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो मैं दोनों का यूज़ करूँगा, सॉल्व करके दूंगा, बट हाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको तो फिर आपको सिर्फ एंड सिर्फ ये जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है यही इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो पढ़ो फिर अच्छे से, क्वेश्चन सॉल्व करो, कल फिर मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ।